कि अभी ये जो नया एरा है, अगर इसमें आप अपडेट नहीं होगे तो आप कोई भी बिजनेस में हो नहीं चलोगे। हमारे जो मेन कस्टमर्स है वो स्टूडेंट्स है, who want higher studies in foreign countries like US, Canada, Australia, New Zealand and all developed countries. वो हमारे मेन टारगेट एरिया है या फिर आप बोल सकते हैं कि वो कस्टमर्स है। अभी नए टूल्स है, नया ज़माना है और ऑब्वियसली पीपल आर लाइक मोर कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग, सो द कंपटीशन इस लेवल से है। ऑनलाइन मैं आपको NowFloats के बारे में बताऊँ, एक प्लस पॉइंट तो यह है कि आप खुद की साइट को प्रमोट कर रहे हो। जैसे अगर मैं जो है या जस्ट में रजिस्टर करवाता हूँ तो पहले तो ऑब्वियसली उनकी साइट होगी, जस्ट एल में फ़ोन करेगा, वहाँ से राउट होके यहाँ पे आएगा। वाइल इन NowFloat अगर हम उसमें अपडेट करते हैं और वो सर्च पेज में जो भी आएगा वो मेरी खुद की साइट आएगी। एक स्पेसिफिक टूल है जिससे गूगल आपको बताएगा कि आपकी साइट कितनी बार अपडेट हुई है, आपकी साइट को कितनी बार लोगों ने सर्च के रूप में देखा हुआ है। इसमें देखोगे तो इन लास्ट 4 या 5 मंथ इट इज़ मोर देन 4000 टाइम्स। वो अपने आप जब भी मैं अपने NowFloats में लॉग इन करता हूँ अपने आप एक एडिशनल विंडो ओपन हो जाती है कि डू यू हैव एनी क्वेरीज, सो दैट इज़ गुड कि वहाँ से रिस्पॉन्स इमीडिएट मिलता है हमें, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो हमें किसी को फ़ोन करना है या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2-3 फीचर्स बोल सकता हूँ। नंबर 1 वो इट्स इजी टू यूज़, इट्स अ यूज़र फ्रेंडली हम बोल सकते हैं। नंबर 2 मैं एक बार अगर अपडेट करता हूँ तो वो मेरे जो सारे कनेक्टेड है जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। वो एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि हमें हर एक जगह पे वो अपडेट करना नहीं पड़ता है, राइट। और उससे अपने आप SEO हो जाता है, यानी कि जब भी कोई गूगल पे कीवर्ड सर्च करेगा तो अपने आप हमारा साइट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। हमने अभी 2+1 ईयर यानी 3 ईयर्स के लिए नेक्स्ट साइन अप किया है क्योंकि मैंने खुद का एक्सपीरियंस है कि करीबन 5 महीने में वी गॉट समवेयर अराउंड 2 लैक्स सर्च, 2 लैक्स का इंडिविजुअल सर्च हुआ है। सो इट्स अ प्लस पॉइंट। सो डेफिनेटली मैं सबको रिफ़र करूँगा कि गो फॉर NowFloats।